आने वाले दिन मैं कोई काम नहीं करने वाली। ये मैं इसको वापस रखवा रही हूँ ऊपर। करवाना है आपको मुझसे क्यों फेशियल करवाना है? वो ईद करीब है तो जो अब निकल रही हूँ, मुझे आगे बाबा लेने। तो आगे बैठ जाओ, किसने रोका इसको? यहाँ से भी जला भाई, यहाँ से भी जला। सऊदीया में कल ईद है। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब अर नहीं होगा, माय होगा, क्योंकि आप इंट्रो में नहीं है। ओनली माय यूट्यूब चैनल। सही है, ओके डन। फाइनली वो दिन आ गया, मतलब चांद रात आ गई। और पता नहीं चांद रात कल है या परसों है, वी डोंट नो, लेकिन मेरी चांद रात कल ही होने वाली, क्योंकि चांद रात वाले दिन मैं कोई काम नहीं करने वाली। मैं अपने सारे काम आज और कल में निपटाऊंगी, क्योंकि आई डोंट हैव टाइम कि मैं चांद रात में कहीं जाऊं और अपना कोई काम करूं। तो बाकी जो है, मेरा कमरा जो है आप देख सकते हैं, वैसे ही बहुत मैस हुआ हुआ है, ड्रेसिंग बहुत मैस हुई हुई है, क्योंकि अभी एक शख्स का मुझे करना है फेशियल, जो कि है मेरे हस्बैंड। और आज मैंने चार लोगों के फेशियल किए हैं, ये फोर्थ है और फिफ्थ मैं खुद होंगी, क्योंकि मुझे अभी अपना खुद करना है घर पे, क्योंकि आई एम नॉट दैट पर्सन जो चांद रात वाले दिन बाहर लाइनों में खड़ी हो पॉलर्स में कि मुझे वो करवाना है। और इग्नोर माय हालत ऑल्सो, क्योंकि मैं जो हूँ ना वो पठान लड़की बनी हूँ, ताकि मैं सारे काम फटाफट कर सकूँ। मैंने सुशांत को कहा कि मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया, और सुशांत जो है वो अपनी स्टाइलिंग करने चले गए बालों की। मैंने अपना ये डिनर सेट बाहर निकलवाया था, क्योंकि दावत थी मम्मी अब्बू की, वो मैंने ब्लॉग बनाया नहीं, आई एम सॉरी फॉर दैट। और जो है ये मैं इसको वापस रखवा रही हूँ ऊपर, क्योंकि मेरा सारा सामान यहाँ पे है ऊपर रखा हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि हम इसको अभी ऊपर चढ़वाएंगे जिशान से। ये देख रहे हैं आप लोग मेरा सारा सामान, ये सब उलट पुलट हुआ हुआ है, ये सब समेट के रखा हुआ नहीं है, हुआ हुआ नहीं है, उलट पुलट ये किया गया है। क्या हुआ हुआ है? ये किया हुआ है, उलट पुलट किया गया है। करना सही जाए तो सही हो जाए। अच्छा, ये दे, आप लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये तुम अभी ये सारा सामान आ रहा है हमारा बाहर। चलो भाई, चलो चलो भाई, चलो बस जल्दी टाइम आ गया। नो हिंट तो मिली गई होगी लोगों को, हैं? हिंट तो मिली गई होगी तुम्हारी, जल्दी टाइम आ रहा है ऊपर रखने का चीज़ों। जी जी, वो मैस देख रहे हैं आप लोग अंदर मेरे कपड़ों की मैस, इग्नोर। एंड कल मुझे जाना है मेहंदी लगवाने, फेवरेट पार्ट ईद में स्पेशली, और इट्स माय फर्स्ट ईद आफ्टर शादी। तो आई एम रियली एक्साइटेड, और एक्साइटेड भी क्या, वो तैयार होने के लिए। और अब तो हम किसके लिए तैयार हूँ, पहले हम अपने लिए तैयार होते थे, अब हम अपने हस्बैंड के लिए तैयार होंगे। तो या दैट्स वाई, चलो कर फेशियल करें। सुशान आ जाए, मैं आपका वेट कर रही हूँ। एंड यू कैन सी द मैस, अभी यहाँ से मैंने थोड़ा बहुत समेटा है यहाँ से भी। तो अभी जो है ये रहे मेरे शोहर, जिनको फेशियल करवाना है। आपको मुझसे क्यों फेशियल करवाना है? व्हाई? जब ब्यूटीशियन घर पे हो तो भाजनी क्या जरूरत है? ओह ससुर ने मुझे सिखाया है। ससुर ने सिखाया है, ससुर को ये मैं इसमें मेंशन भी कर दूंगी कि स्पेशली लाइन आपके लिए बोली गई है। तो लेट्स स्टार्ट द फेशियल। और फेशियल आप लोगों को पता है मैं किससे करती हूँ, ये रहा मेरा फेशियल का सामान, जिससे मैंने अभी ऑलरेडी तीन चार लोगों का फेशियल किया है, तीन लोगों का फेशियल किया है, फोर्थ जिशान है, फिफ्थ मैं होंगी। तो लेट्स स्टार्ट, जो फेशियल हो जाएगा उसके बाद मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता अपडेट देती रहूँगी कि मैंने चांद रात में क्या किया क्या नहीं, चांद रात से पहले क्या किया। ये ब्लॉग लंबा होने वाला है, तो पॉपकॉर्न ले लें, चिप्स ले लें हाथ में, और ये मेरा ब्लॉग इन्जॉय कीजिएगा। अच्छा, मैं जो हूँ अभी करूँगी अपना फेस जो है, जो फेशियल हेयर हैं उनको करूँगी रिमूव, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैंने इस चीज़ को छोड़ा हुआ था, कि मेरी स्किन पे इधर इधर थोड़े से हैं बाल, और ईद करीब है तो आई हैव टू डू दिस। और अभी मैं कर रही हूँ अपने फेशियल हेयर रिमूव, उसके बाद मैं लगाऊंगी फेस पॉलिश, वो वाली फेस पॉलिश नहीं, आई हैव
मून टच की फेस पॉलिश और मैंने थोड़ी सी बना के भी रखी हुई है, ये रही, तो मैं ये अपने और जशान के दोनों के लगाऊंगी। और बेसिकली ये चल रही हैं ईद प्रेप्स, तो यस। और आजकल जो है मैं और जशान ये एवलाइन कॉस्मेटिक्स के सीरम्स यूज़ कर रहे हैं, ये उनका हाइड्रोलोनिक एसिड है और उसका मैं अभी ट्राई कर रही हूँ रेटिनॉल, तो आई विल गिव अ रिव्यू सून कि रेटिनॉल क्या काम करता है अपनी स्किन पे। ये आ गए डॉल लग रही है डॉल गर्ल मारे आप हेलमेट पहन के भी इनको एक्शन मारने अंडे का सैंडविच बना, अंडे का सैंडविच बना दो और मुझे मटर चावल भी दे देना। काली मिर्च नहीं है? नहीं बेबी काली मिर्च नहीं है काली मिर्च क्या होती है गरम मसाला okay. कुछ और है गरम मसाला नहीं, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फीका सैंडविच। चलो ना साफ करो आगे आगे पीछे प्यारा हेयर बैंड है देखा बाल यहाँ कर करने हेयर बैंड यहाँ लगाया है पाल। Hi everyone, so we are back और फेशियल हमने कर लिया, हमारे चेहरे से आपको अंदाजा हो रहा होगा राइट, माशाल्लाह बहुत साफ हो गया हमारी। खैर ये तो मेरा ईद का वन स्टेप हो गया डन, आई एम फीलिंग हल्का क्योंकि ये ऐसा काम होता है क्योंकि बहुत थकान वाला काम होता है, आपको उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है, तो ईद पे तो ये बहुत जरूरी होता है। खैर तो अभी हो रहा है सैरी का टाइम, हम सैरी करने जा रहे हैं और अब हम डायरेक्ट आपको मिलेंगे सुबह। तो कल के क्या सीन्स हैं, कल चांद रात है नहीं है ये तो अल्लाह जाने, ये कली वाला तो सीन ये है और उसके बाद हम आपको मिलते हैं अब सुबह उठ के। सुशांत तो ऑफिस चला जाएगा, मैं मिलूंगी आपको सुबह उठ के, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। तो मैं उठ गई थी जल्दी क्योंकि मुझे जाना है घर और मुझे आएंगे बाबा लेने अभी थोड़ी देर में, लाइक 4 o'clock पे या 5 पे, आई डोंट नो, जब भी आएंगे मुझे जाना पड़ेगा। तो इफ्तार आज मैं करूँगी अम्मा के यहाँ और फिर मैं आपको अपडेट देती हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें जाना है मेहंदी लगवाने। वहाँ से हम जाएंगे खाला के घर, खाला के घर से जाएंगे हम कस्बा के घर जो मुझे मेहंदी लगाएगी, मैं आपको उनसे भी मिलवाऊंगी, जिन्होंने मेरी ब्राइडल मेहंदी लगाई थी वही मेरी ईद की मेहंदी भी लगा रही हैं। तो आई होप कि व्लॉग इंटरेस्टिंग हो और आई डोंट नो अगर कल हो गई आज चांद रात हो गई तो वो भी आप लोगों को इस व्लॉग में पता चल जाएगा और वैसे भी पता चल जाएगा, और ये व्लॉग मैं आज रात को ही अपलोड कर दूंगी वापस घर आने के बाद। आज रात को नहीं खैर सुबह हो गई अपलोड, तो यस। और मैं जो हूँ अब निकल रही हूँ मुझे आगे बाबा लेने, और जशान कह रहा है मेरी हालत सही नहीं, मुझे ब्लॉग में मत लाना। और जशान अभी आए कह रहे थे कहाँ अपनी शॉपिंग करने, मेरी कौन करेगा तुम्हारी शॉपिंग, तो दो हफ्ते पहले ही कर ली थी चलो बाय तो कर दो, जा रही हूँ मैं यार, बाय, मुझे कैमरा दूर से रखो, बाय बाय कौन करेगा मुझे, अल्लाह हाफिज़ भी नहीं, चलो अल्लाह हाफिज़ हसन, अल्लाह हाफिज़। पीछे बैठूंगी मैं, पीछे नहीं बैठ रही मैं, पीछे नहीं बैठ रही बैठूंगी, तो आगे बैठ लो, किस तरह होगा, इसको पीछे बुलाओ, इसको 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 मुझे मेरी बात तो जन्नत हुआ है हमारा घर, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया। अच्छा, मैं बनने वाली थी, मैं बनने वाली थी, खुशबू किस चीज की आ रही है, दिगंत इनकी जुल्फे देखो, कोई इनकी जुल्फे देखो, स्टाइल मार रहे हैं, अस्तगफुरुल्लाह सांस नहीं आ रही मुझे, चोर चोर चोर, आज वीडियो बन गई इसकी, आज इसकी वीडियो बन गई आज इसकी, आज तेरी वीडियो बनेगी, तू क्या कर रहा है।
और ये जब हमारे अब्बा साहब किचन में घुसते ना तो ये होता है, होता है कि नहीं? होता है, होता है। यहाँ से भी जला हुआ, यहाँ से भी जला हुआ। ये मैं नहीं हूँ, ये बाबर अली अकबर है, ये मैं नहीं हूँ। ये यही लेके जाएगा, वरना इसके ये कौन उठाएगा सामान नीचे से? इतने लोग हमारे घर, मेरा घर है ये, समझ आई? हटो, तुम क्यों आ रहे हो फुटेज लेने? हाय एवरीवन, सो आई एम बैक और बहुत ब्रेक ले लेके मैं आ रही हूँ और अभी आई हूँ मैं तैयार होके, क्योंकि इफ्तारी हो गई थी डन और सब कुछ हो गया था। तो उसके बाद जो है मैंने व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि मैं जो हूँ थोड़ा आराम आराम करी थी, मैं आज थक गई क्योंकि मैं आज जल्दी उठी थी। खैर तो सीन कुछ ऐसा है कि अभी ऐलान हुआ है कि सऊदीया में कल ईद है, तो शायद आज चांद रात या ना हो, लेकिन देखते हैं, अभी भी देख रहे होंगे क्या होता है। लेकिन ऑफ कोर्स अब तो चांद उसका सऊदीया में जब आ गया है चांद नज़र, तो हमारा जो है हमारी जो है चांद रात होगी कल। तो मेरा तो चांद रात का ब्लॉग आज डल जाएगा क्योंकि मेरी मेहंदी लग रही है आज, और जब मेरी मेहंदी लग जाती है तो मेरी चांद रात हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो मैं कल आराम करूँगी और व्लॉग अपलोड करूँगी, आप लोग मेरा व्लॉग इन्जॉय करेंगे। और अभी जा रहे हैं हम अपनी खाला के यहाँ ताकि हम टाइम पे पहुँच सकें। तो मैं आपको मिलती हूँ मेहंदी लगवाते वक्त, बाय। अभी मैंने मेहंदी लगवा ली थी, अब हम आए पिज्जा, ब्रॉडवे पिज्जा। ये फोकस क्यों नहीं हो रहा है? इट्स नॉट फोकसिंग। और ये जो है मेहंदी, ये मेहंदी भी फोकस नहीं हो रही, फोकस हो जा, नहीं हो रही। मेहंदी भी लग गई है, कैसी है मेरी मेहंदी? बहुत प्यारी है। अब इसके लिए कल पता चलेगा कि रंग कैसा आता है। मेहंदी फोकस नहीं हो रही, मेहंदी फोकस नहीं हो रही। चलो आई एम वेटिंग फॉर पिज्जा क्योंकि आई एम सो मच हंग्री। दिखाओ लाइव मेहंदी, दिखाओ इसी में लो मेहंदी, दिखाओ। मैं क्लोज अप छोड़ लूं इसका? हां ले चुकी। तो मैं आ गई थी घर और मैंने अपनी मेहंदी भी धो ली क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ और मुझसे अब इसके साथ नहीं सोया जाता, इसलिए मैंने मेहंदी शेहंदी भी धो ली है, फारिग हो गई हूँ प्रॉपरली। सिर्फ मेरी एक चीज़ रह गई, वो है बेडशीट चेंज करना। वो मेहंदी के साथ मैं कर नहीं सकती थी, वो मैं करूँगी कल और वो मैं आपको दिखाऊँगी ईद व्लॉग में प्रॉपरली। तो वो भी मैं सुबह से स्टार्ट कर दूंगी, दिखाऊंगी मेरी क्या है इस दफ़ा डिफरेंस क्या है इस वाली ईद में। डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस व्लॉग और मैं इंशाल्लाह ईद व्लॉग के साथ वापस आऊंगी और आप लोगों से मिलूंगी और सब कुछ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।